हेलो एंड वेलकम बैक टू एम्पावर ट्यूटोरिंग। आज मैं ले रही हूँ एक हिंदी की कहानी जो मंथन नाम की बुक से मैंने ली है। क्लास सिक्स की बुक है ये, जो आईसीएसई बोर्ड में कई स्कूल्स में चल रही है, और शायद मंथन नाम की बुक जो है वो और भी कई स्कूल्स में चल रही होगी। तो उसकी एक स्टोरी है और पाठ का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स बोर्ड पर लिखी हुई है कि कौन सी बुक है, कौन से क्लास के लिए है, कौन से बोर्ड के लिए है, सारे डिटेल्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो ये कहानी है और कहानी का नाम है विभू काका। ये जो स्टोरी है ये लिखी है एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं हिमांशु जोशी जी, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है विभू काका, और उनके बारे में उन्होंने ये बताया है। तो शुरू करते हैं, स्टोरी क्या है। इस स्टोरी में एक नौजवान है, युवक है, जिसका नाम है विजय। वो कई सालों के बाद अपने गांव लौटता है और अपने काका से मिलता है जिनका नाम है विभू काका। लेकिन स्टोरी में इन शॉर्ट उन्हें काका ना कहके विभू का सिर्फ इतना ही यूज किया गया है। जो राइटर है उन्होंने उस तरीके से उसको लिखा है, तो वो है काका, विभू उनका नाम है और विजय के ही काका है। विजय कई सालों के बाद गांव जाता है और अपने विभू काका से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि क्या काका उसे पहचान पाए। लेकिन इस चीज को देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है कि काका उसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर वो काका के बारे में एक चित्रण देता है कि वो जो काका है वो कैसे दिखाई देते थे पहले और अब, जो जब वो इतने सालों बाद गया है गांव, तो क्या अंतर उसने काका की पर्सनालिटी में पाया। तो वो लिखता है यहाँ पर कहानी में कि जब उसने पहले काका को देखा था कई सालों पहले, तो काका जो थे कोट पैंट पहनते थे, गले में उनके टाई जो थी वो हमेशा बंधी रहती थी, लेकिन अब काका जो है काफी बदल चुके हैं। तो समय के साथ जैसे कि सभी लोग बदल जाते हैं, काका भी बदल चुके हैं, और अब इस समय काका जो है वो खादी का कुर्ता पायजामा पहनते हैं, बहुत ही साधारण तरीके के जूते पहनते हैं, और साथ ही साथ समय के साथ उनके सिर के जो बाल हैं वो उड़ गए हैं। तो कब उनके सिर पर जो बाल हैं वो काफी कम रह गए हैं। तो ये वो बताता है कि जो काका है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके ड्रेसअप में काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो जब काका ने उसे पहचान लिया विजय को, तो वो बहुत खुश हुआ, और साथ ही उसने इस चीज को भी नोटिस किया कि काका जो है वो काफी बदले हुए दिखाई देते हैं। फिर काका ने उससे पूछा कि वो अपना सामान लेकर नहीं आया, क्या बात है, कितने दिनों के लिए आया है। तो उसने कहा कि जो भी उसने इशारा किया, जो उसके पास एक सामान था उसकी तरफ उसने इशारा किया कि वो इतना ही सामान लेकर आया है। तो काका ने पूछा कि कोई बिस्तर वगैरह नहीं लाया, तो उसने हंसते हुए विजय ने आंसर किया कि मैं काफी समय से काफी जगह पर घूम कर आ रहा हूं, तो इसलिए ये जो है सामान को ला पाना, जगह जगह उसको लेकर के घूमना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इतना ही सामान लेकर के चलता हूं। तो काका ने हंस करके उसके बात का जो था समर्थन किया, सिर हिला दिया, और फिर उन्होंने उसको वो अंदर ले गए। अंदर ले जाकर के जो उनके घर में जो भी लोग थे या जो उनको जो उनको सर्व करते थे, जो उनके घर में रहते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि विजय का वो ध्यान रखें और उसकी अच्छे से देखभाल करें, और ये कह करके काका जो थे वो कहीं बाहर की तरफ निकल गए, यानी वो कहीं चले गए। अब जो विजय है उसने क्या देखा, वो देखता है कि जो काका है उनकी दुनिया बड़ी विचित्र है। विचित्र कैसे, यानी अनोखा, वो कह रहा है बहुत डिफरेंट उसे वहां का जो सारा कुछ आसपास हो रहा है, सराउंडिंग्स जो है, उन सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हो रही हैं वो उसे बहुत ही डिफरेंट नजर आई। कैसे कि वो देखता है कि जो दो ट्रैक्टर हैं वो चल रहे थे सामने, यानी जो काका है वो एक फार्म हाउस में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस ले रखा है, तो सामने फार्मिंग हो रही थी, दो ट्रैक्टर चल रहे थे, साथ ही साथ पास में एक पशुओं का बाड़ा था, जानवरों के रहने की जो जगह होती है उसे बाड़ा कहते हैं, तो जानवरों के रहने की जगह थी, वहां पर दो गाय बैठी हुई थी और वो जुगाली कर रही थी। जो जानवरों के खाने का तरीका होता है, जो जानवर अपने मुंह में भर लेते हैं, अपने जो माउथ में यहाँ पर जो बैग होता है वो भर लेते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उसको खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जुगाली।
तो गाय जो थी वो जुगाली कर रही थी, वो खा रही थी अपना खाना, और सामने काफी हरी भरी सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स जो थे वो उगे हुए थे, दूर दूर तक उसे सुंदर खेत दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ फलों का बगीचा भी था और ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ये जो सारा कुछ एनवायरनमेंट था, ये जो पूरा फार्म हाउस था जो विभु काका का, ये उसे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा है कि जो नंदन वन, उसने कहा बड़ा लुभावना उसे लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और सारे लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव काम में लगे हुए थे। इसके बाद वो कहता है कि दोपहर हो गई, वो मॉर्निंग में वहां पहुंचा था, दोपहर हो गई, मॉर्निंग से जो है विभु काका वो गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। तो उसने एक जो कर्मचारी था, एक जो काम करने वाला वहां पर था, उससे पूछा, तो उसने बताया कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन जो विभु काका हैं वो पास के गांव में जाते हैं लोगों के हालचाल जानने के लिए। तो ये विभु काका का एक शेड्यूल था कि वो हर ट्यूसडे आसपास के गांव में जाके लोगों की परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। तो उस दिन ट्यूसडे था और विभु काका उसी के लिए गए थे, तो क्योंकि जब वो पास के गांव तक जाते थे तो उन्हें आने में देर हो जाती थी। अब जो ये विजय है, ये रिकॉल कर रहा है उन मेमोरीज को और हमें बता रहा है कि विभु काका एक्चुअली में क्या करते हैं, वो है किस तरीके के इंसान। तो वो यहाँ मेंशन करता है कि विभु काका जो हैं, इन्होंने अमेरिका से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है। तो ही इज अ वेरी, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो। तो एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका से की है, और इसके बाद भारत लौटकर उन्होंने पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, दैट इज पूसा एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर, इंडिया का एक बहुत वेल नोन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो कि पूसा में लोकेटेड है। तो पूसा से जो है इन्होंने, विभु काका ने, ये वहां पर काम करते थे और देश में इन्होंने, वहां पर काम करते उन्होंने ऐसी कई फसलें जो थी, कई तरीके के ऐसे क्रॉप्स की हम कह सकते हैं कि इवेंट की इन्वेंट किए, जैस तरीके की क्रॉप्स की टेक्निक्स डेवलप करी जिनसे कि जो ये क्रॉप्स है, जो फसल है, उनकी पैदावार यानी उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने किस तरीके की किस्म, किस किस्म की फसलें कहाँ उगाई जानी है, किस टेम्परेचर में उगाई जानी है, इन सब पर भी काफी शोध किए थे, काफी रिसर्च किए थे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट था जो मक्का उगाई जाती है, जिसे हम मेज कहते हैं, भुट्टा जो खाते हैं, जैसे नॉर्मली एक जगह पर एक, जब किसान पहले उगाते थे वो एक ही भुट्टा उगता था, इन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए जिससे कि एक भुट्टे की जगह में 5 से 6 भुट्टे जो थे ये उगाने की तरकीब इन्होंने निकाली थी। तो काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो विभु काका का है इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्शंस। तो इनकी जो खोजें थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके लिए इन्हें सरकार से समय समय पर कई तरीके के पुरस्कार भी मिले थे। इसके बाद जो विभु काका है वो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर और रिसर्च में जुड़े हुए थे, तो कई बार ये जो थे यूरोप और अमेरिका तक गए थे जानने समझने टेक्निक्स के बारे में, और वहां पर उन्होंने कई बार भाषण भी दिए थे, और ये बहुत एक सक्सेसफुल व्यक्ति थे। फिर ये जो विजय है ये आगे बताता है कि विभु काका को जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां की गवर्नमेंट ने इनके जो कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर उसको देखते हुए उन्हें लुभाया, उन्हें कहा कि वो उनके कंट्रीज में ही सेटल हो जाएं, लेकिन विभु काका ने सभी कंट्रीज से जो ऑफर थे उनको निग्लेक्ट कर दिया, उनको अवॉइड कर दिया और स्ट्रिक्टली उन लोगों को मना कर दिया। और उन्होंने ये चीज एक सोच ली थी, एक बात उन्होंने ठान ली थी कि उन्हें अपनी ही कंट्री को सर्व करना है, उन्हें अपने ही देश के जो किसान हैं उन्हें, उनके जीवन को खुशहाल और तरक्की उनके जीवन में लेकर के आनी है। तो जब विभु काका लौट आए तो ये विजय जो है इसने पूछा कि काका आपको यहाँ पर बोरियत महसूस नहीं होती है, क्योंकि ना तो यहाँ सिनेमा हॉल्स हैं, ना सिटीज वाली लाइफ है, जबकि ये जो विभु काका है, जैसा कि हमने अभी जाना कि तो विदेश तक रहकर के आए थे, उन्होंने वो लाइफ स्टाइल भी देखा था। तो विभु काका ने कहा कि नहीं, उन्हें बिल्कुल बोरियत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसके उन्होंने कई सारे रीजंस बताए, जिसमें से कि पहला रीजन उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आसपास देखो नजर दौड़ा करके,
जब तुम यहाँ आसपास सारी नजर दौड़ा करके देखते हो तो तुम पाओगे कि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के सराउंडिंग्स हैं, वो इतने अच्छे हैं कि किसी सिनेमा हॉल की या किसी सिनेमा की कभी महसूस ही नहीं होती। दूसरी बात वो कहते हैं कि होटल्स की क्या मतलब है, क्योंकि होटल्स में जो खाना मिलता है उससे अच्छा फ्रेश ताजा सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो उनको वही मिल जाते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन जो सिटीज में मिलता तो है लेकिन आफ्टर कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी बहुत प्रोसेस के बाद वो चीज जब पहुंचती है हम लोगों तक, हम लोग शहर में रह रहे हैं तो वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, इट्स नॉट सो न्यूट्रिशियस। तो वहां जो कहां रह रहे हैं गांव के अंदर, वो उन्हें फ्रेश मिल रही है, तो इट इज ऑल न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इनसाइड इट। तो वो ये कहते हैं कि इसलिए मुझे होटल्स की कमी महसूस नहीं होती। इसके बाद उसने सवाल ये भी किया था कि यहाँ पर वैसे बुक्स नहीं मिलते जैसे कि आप बड़े सिटीज में ले सकते हैं, तो फिर विभू काका ने कहा कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर वैसे किताबें नहीं मिलते हैं लेकिन ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है। और जैसा कि कहावत भी है, कहा गया है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर, सब कुछ सिखा देती है नेचर आपको। तो विभू काका जो थे वो नेचर से बहुत कुछ सीख रहे थे और वो कहते हैं कि ऐसा सब कुछ किताबों में हमें पढ़ने के लिए या देखने के लिए नहीं मिलेगा जो यहाँ मैं नेचर से एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे इन सब किसी भी चीजों की कमी जो है वो महसूस नहीं होती है। इसके बाद जो थे काका, उन्होंने उसको विजय को ही सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करके बहुत डिटेल में अच्छे से समझाई। और शाम हो चुकी थी और विजय के वापस लौटने का समय हो चुका था, तो जो विभू काका हैं वो उसको, विजय को अपनी जीप में बैठाकर और आसपास के गांव जो थे घुमाने ले गए। तो जो उसकी आंखें थी वो फटी ही फटी रह गई और वो बहुत सरप्राइज हुआ ये चीज देख करके, क्योंकि जैसे कि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि गांव है तो गंदा होगा, अनहाइजीनिक होगा, गंदे गंदे से बच्चे होंगे, वेल ड्रेस्ड भी नहीं होंगे, और जो एक हम लोगों ने एक अपने दिमाग में इमेज बना रखी है, तो वो वैसी ही एक इमेज जो थी विजय के दिमाग में भी थी। लेकिन जब वो आसपास के गांव देखने गया तो वो सरप्राइज रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गया ये देख करके कि जो गांव थे वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। हर घर के बाहर एक गाय बंधी हुई थी, जो गलियों में उसे बच्चे दिखे वो बहुत ही साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने हुए थे। और उसने नोटिस किया कि गांव में कुछ कुछ घरों के बीच में, मतलब जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि वहां पर स्कूल्स भी बने हुए थे जिनमें बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो गांव में सब कुछ था, वो सब कुछ जो उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड था, जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि गांव ऐसे भी होंगे। वो इसलिए और भी ज्यादा सरप्राइज था कि वो विजय जो था वो खुद भी अपने जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने काम के सिलसिले में ऑलमोस्ट पूरी इंडिया देख चुका था। उसने सारे गांव, ऑलमोस्ट काफी सारे गांव देखे थे और ये एक पहला ऐसा गांव था जो उसे इस तरीके का दिखाई दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो उसे फिर पता चला कि जब से ये जो विभू काका है उसके, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया है, तब से इस गांव की, आसपास के गांव की जो काया पलट होने लग गई है। काया पलट मीन्स दे आर चेंजिंग। किसकी वजह से? विभू काका की वजह से, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे। जब वो यहाँ रहने आ गए तो उन्होंने पहला काम तो ये किया कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको कृषि के नए नए टेक्निक समझाए जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो और वो एक अच्छी इनकम अर्न कर सके। इसके बाद उन्होंने लोगों को वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझाया, पढ़ाई का महत्व समझाया, शिक्षा का महत्व समझाया, तो लोग बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। साफ सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में उन्होंने उनको बताया, तो लोगों ने वो सारी चीजें अपने अंदर इनहेरिट करनी धीरे धीरे शुरू कर दी। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जो गांव है वो इतने बदलते गए। अब विजय के जाने का समय हो चुका है, तो विभू काका खुद उसे छोड़ने के लिए आए हैं और लास्ट में विभू काका कहते हैं विजय से
कि तुम भी क्यों नहीं यहीं पर आ जाते हो और सेटल हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जीने का जो सुख है वो सुख शहरों में नहीं मिलता। अब विजय नोटिस करता है कि जो विभू काका है उनके चेहरे पर जो एक चमक है, चमक उस सेटिस्फेक्शन की, जो काम वो कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उनके चेहरे पर एक चमक की तरीके से दिखाई देती है। और क्योंकि चमक रहा है उनका चेहरा एक तेज के साथ, तो उसे लगता है कि ये कोई एक मामूली इंसान नहीं है बल्कि स्वयं देवता है जो उसके सामने खड़े हुए हैं। और फिर उसे समझ में आ जाता है कि एक इंसान, एक आदमी जो दूसरों के लिए जीता है वो किसी देवता से कम नहीं है। तो ये आपको, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो दूसरों के लिए है, जिसको करने के बाद हमें बहुत खुशी मिलती है, तो हमारे फेस पे एक अलग तरह का ग्लो आ जाता है। तो वैसा ही ग्लो एट दी एंड ही सेज उसने विभू काका के फेस पर देखा। और एट दी एंड उसने कहा कि इंसान जो दूसरों को हेल्प करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर मंजू जी ने लिखी है। पूरा गांव का चरित्र, जो गांव का पूरा सीन है वो यहाँ क्रिएट किया, उस इंसान का सीन क्रिएट किया जिसने कि गांव की स्थिति को बदल दिया है। और साथ ही साथ ही जो बच्चा है, जो ये युवक है विजय, वो जो लास्ट में एक बात कहता है, बहुत अच्छी बात उसने कही कि अगर हम दूसरों को सर्व करते हैं, इफ वी सर्व अदर्स देन इट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अगर हम ह्यूमैनिटी सर्व करते हैं तो किसके बराबर है, देवताओं के बराबर है। तो बहुत अच्छी बात के साथ उसने ये चैप्टर को फिनिश किया है। तो ये कहानी आई होप आप सबको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय।